नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo A3 5G वर्सेस HMD Crest Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A3 में 6.52 इंच जबकि Crest Max में 6.45 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि A3 से कम है। विड्थ की बात करें तो A3 में 2.99 इंच जबकि Crest Max में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो A3 में 0.3 इंच जबकि Crest Max में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि A3 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो A3 में 187 ग्राम जबकि Crest Max में 205 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि A3 से ज्यादा है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A3 में LCD जबकि Crest Max में OLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A3 में 720x1604px HD+ और Crest Max में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A3 में 85.29% जबकि Crest Max में 85.78% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A3 में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Crest Max में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में ऑक्सिलरी लेंस देखने को मिलता है। और Crest Max की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A3 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Crest Max की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Crest Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A3 में Mali-G57MC2 जबकि Crest Max में Mali-G57MP4 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A3 में MediaTek Dimensity 6300 और Crest Max में Unisoc T760 मिलता है। बात करें RAM की तो A3 में 6GB जबकि Crest Max में 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो A3 में 128GB जबकि Crest Max में 256GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो A3 में अप टू 2TB जबकि Crest Max में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी A3 में 5100mAh जबकि Crest Max में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो A3 में 2 कलर्स जबकि Crest Max में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A3 6GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Crest Max की तो वो 8GB RAM 256GB स्टोरेज के साथ 16,499 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो
ओप्पो A3 5G में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें HMD Crest Max की तो उसमें 6 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में क्रेस्ट मैक्स आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो कैमन 35G है, दूसरा रियलमी 12 प्लस 5G है, तीसरा वीवो Y200 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो के 12X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।